अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने अगेन आपको चूज़े की ग्रोथ दिखानी थी कि चूज़ा कैसे जा रहा है और किस किस तरीके के उसकी हिसाब ग्रोथ ब्रूडिंग वगैरह हो रही है, क्या कॉस्ट आ रही है। क्योंकि ये जो वीडियो थी वो इंशाल्लाह बिजनेस फिजिबिलिटी पर होगी, तो जो जो इंशाल्लाह देखेगा उसको वो सिर्फ एक सीरीज़ देख के समझ जाएगा कि चूज़ा किस तरीके से पाला जाता है और क्या क्या इसके लिए किया जाता है। क्योंकि हमारी पास जो वीडियोस थी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मिस्री की बहुत सारी हैं, फैंसी की भी हैं, बट ब्रॉयलर की इस तरह की सीरीज़ जो होगी वो हमारे चैनल पे पहली होगी, शायद किसी ने बनाई हो इंडिया वगैरह में। तो बात अलग है, कराची में मुझे कोई इतनी खास दिखी नहीं, कराची या पाकिस्तान के अंदर। तो आज जो चूज़े की एज है और जो डिटेल है, अगेन फैज़ भाई बताएंगे क्या क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम वलील, जैसे कि आपको पता है कि आज जो चूज़े की एज है ना वो 20 डेज हो गई है और माशाल्लाह से प्रोग्रेस जो है बहुत अच्छी जा रही है। बीच में हम जो डाउन हुए थे उसमें हमने ग्रोअर फीड लगा दी थी, तो काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स करा। इस वक्त चूज़ा जो है ना ऑलमोस्ट जो एवरेज रेट है वो 900-950 के अराउंड जा रहा है, जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ओपन शेड में हम लोग कंट्रोल शेड है भी नहीं। दूसरा, आज जो हम लोग आए थे बेडिंग चेंज करने आए थे, बेडिंग इनकी गलती हो गई थी, बेडिंग चेंज करेंगे। और इसमें जो है ना सबसे जो हमारे पास आ रहा था ना मलिक भाई, ये पानी जो है ना ज्यादा जो है ना पी रहे थे, तो उसके लिए हम लोग ने सोचा है कि क्यों ना हम जो है ना निपल सिस्टम लगा दें। तो इंशाल्लाह इस उसमें ना निपल सिस्टम भी लगाएंगे और स्पेस भी बढ़ाएंगे ताकि जो है ना चूजा जो है ना इजीली जो है ना अच्छे से ग्रो। और हमारे पास जो इसमें मोर्टेलिटी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह रुक जाएगी, शुरू में जो 8 मोर्टेलिटी हुई उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई, कोई ऐसा चूजा नहीं है जो हमारे पास वीकनेस में हो रहा हो। अगर मैं आपको चूजे की हेल्थ बताऊँ तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चूज़े की हेल्थ इस वक्त इसका, जो अगर आप मैं दिखाऊं तो माशाल्लाह से कोई ऐसा चूज़ा नहीं है जो वीक हो, किसी लिहाज से वीक नहीं है, माशाल्लाह से चूज़ा बिल्कुल हर लिहाज से एक्टिव है बिल्कुल। सही 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 सही। अच्छा, इस टाइम चूज़े का वेट 900 ग्राम है, चूज़ा फीड कितनी खा रहा है एक दिन के अंदर? वलीद भाई, इस वक्त चूज़ा जो है ना 7.5 किलो जो है ना एक टाइम पे फीड ले रहा है, दिन के अंदर तकरीबन 15 किलो। और टोटल चूजे की एक दफा क्वांटिटी दोबारा बता दें। वलीद भाई, इस वक्त 170 आया था, 8 मोर्टेलिटी हुई है, हमारे पास 162 है, हमारे पास 162 चूजा है। शुरू में वो 3-4 ही मरे थे, वो उस वजह से मरे थे शायद जी, जो भी ग्रेट था। दो जो है वो गैस का इशू आया था, आपको बताया था कि गैस का इशू आया, बाकी 4-5 जो है ना वो वेदर की वजह से जो है ना वो मर गए थे। सही सही सही। अच्छा, और टोटल फीड कितनी कंज्यूम हो गई है अभी तक? 3.5-4 बैग हमारे जो है ना वो लग गए, 3.5-4 बैग लग चुके हैं। अच्छा, इसमें फीड जो है ना कंट्रोल शेड की इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि फीड ऐसी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कंट्रोल शेड की यूज़ कर रहे हैं। पहले हमने प्री स्टार्टर लगाई थी, उसके बाद जो है ना हमने ग्रोअर लगाई थी, ग्रोअर के 2 बैग खत्म हो गए, अभी जो इंशाल्लाह दोबारा एक ग्रोअर लगेगी, उसके बाद जो है ना जब चूज़ा जो है हमारे पास 30-35 डेज पे आ जाएगा तो आखिरी के हम लोग जो 8-10 दिन होंगे उसमें हम फिनिशर लगा देंगे इसमें। सही सही सही। अच्छा, इसके अलावा और जो क्या कहते हैं उसको वैक्सीन का बता दें कि अभी कौन सी वैक्सीन करी थी अभी तक, अब कौन सी करनी है? वैक्सीन हमारे पास जो है ना IV हो गई थी, ड्रॉपिंग हुई थी, अब जो है ना लसोटा होगी इंशाल्लाह, कल होगी तो इंशाल्लाह उसकी भी सीरीज आएगी। और इंशाल्लाह अब जो हो सकता है आपकी जो वीडियो आए उसके अंदर निपल सिस्टम भी आएंगे, क्योंकि इंशाल्लाह अब जो है ना निपल सिस्टम इंस्टॉल करेंगे ताकि ईजी हो। और हम लोगों ने ब्रूडिंग बिल्कुल खत्म कर दी है। सही सही। ब्रूडर की लाइट खुली रखी थी, वो भी हम इसलिए देखते हैं कि जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जिस तरह आपको बताया कि आजकल कराची में जो है ना दिन के टाइम गर्मी चल रही है, रात के टाइम जो है ना थोड़ी सर्दी हो रही है, तो उसके लिए कर रहे हैं। बाकी जिस तरह हम लोग ने जो है उसको पैक किया होता है वो चीज़ खोल दी हम लोग ने। सही 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 सही। और इसमें जो क्या कहते हैं इसको, अच्छा तो ये बात तो हो गई, इसके बाद खाली मुझे ये बताएं आपके अभी जो चूजे को स्पेस दी हुई है वो कितनी दी हुई है इस टाइम के ऊपर? इसमें जो बड़ी हम लोगों ने दी हुई है ना ये 10 फिट और 9 फिट, 10x9 की हम लोगों ने दी हुई है, लेकिन स्पेस जो है ना इस वक्त आप देख रहे हैं कम पड़ रही है, तो आज इंशाल्लाह जो है ना इसकी स्पेस भी हम बढ़ाएंगे, दूसरा बेडिंग चेंज करेंगे और जो मैंने आपको बताया ना इसमें निपल सिस्टम भी हम इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारे लिए जो है ना ईजी हो। सही 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 सही। अच्छा, इसमें निपल सिस्टम भी लगेंगे। और उसके अलावा आपने शुरू में एक बात कही थी कि हम लोग ओपन शेड में काम कर रहे हैं, कंट्रोल शेड में नहीं कर रहे, तो ज़रा बताएंगे ओपन शेड और कंट्रोल शेड में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि नए फार्मर्स को बिल्कुल भी नहीं पता। बिल्कुल अच्छा सवाल है वली की, क्योंकि आपको ये पता है कि इसमें एनवायरमेंट जो है ना हमारे पास जो है ना वो एक कंट्रोल नहीं हुआ हुआ, क्योंकि बाहर से भी हवा चल रही है, दूसरा ये डिजीज़ जो है ना हमारे पास जो है ना वो इजली जो है ना वो हवा के जरिए हमारे पास आ जाएगी एटमोसफेयर के जरिए, तो हमारे पास जो है ना पूरा का पूरा फार्म जो है आपको पता है कि इससे पहले जितनी बीमारियाँ आई ओपन शेड की वजह से हुई है। कंट्रोल शेड होता है उसमें ये होता है हमारा पूरा एटमोसफेयर जो है ना पूरी कंट्रोल होता है, एनवायरमेंट कोई भी चीज़ जो है ना बाहर की हवा नहीं आती, बाहर की धूप नहीं आती, पूरा एक समझे आप पूरा पैक होता है, एक तरफ पैड सिस्टम लगा हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरफ पैड सिस्टम है तो दूसरी तरफ फैन सिस्टम लगे हुए, उसमें ये होता है कि आपको पूरा जो है ना अंदर का एनवायरमेंट जो है ना फुली कंट्रोल होता है जिस तरह उसको चाहिए होता है, तो उसमें किसी भी किस्म की कोई ऐसा मसला नहीं आता। जैसे आपको बताया ओपन शेड में जो हमारे पास डिजीज़ का मसला आ जाता है, दूसरा हमारे पास जो मेन इशू आता है उसकी हेल्थ के ऊपर आता है, तो उसमें जो है ना फुली कंट्रोल हो जाता है। आपको ये वीडियो
समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। और उसके अलावा अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं प्रोफेशनली, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे गोल्डन मिस्त्री का उसका ब्रॉयलर का कर रहे हैं, पर वैसे जो फार्मर हैं फैंस जो है वो फैंसी का है पिछले 3 साल से, और मैं जो हूँ वो तकरीबन गोल्डन मिस्त्री का हूँ अभी तकरीबन 4-5 साल से। तो मार्केट का मैं बहुत सारी आइडिया है, बहुत सारी मेजर मेजर चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए और जो आप वीडियोस में नहीं सिखा पाते। वीडियो के अंदर एक प्रॉपर वे के अंदर एक प्लेलिस्ट नहीं होती। तो अगर आप लोग चाहते हैं हमसे सीखने के लिए तो हमसे नंबर आपको हमारा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बस व्हाट्सएप आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मुनासिब फीस है और उसमें वीडियो बेस्ड कोर्स भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। और इंशाल्लाह जो जो लोग वीडियो बेस्ड कोर्स में होंगे उनके लिए इंशाल्लाह हम फिजिकल ट्रेनिंग कराएंगे, और हमारी कोशिश है कि इसी डिपार्टमेंट में कराएं, तो उसकी भी अपडेट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। फैज़ और मेरे दोनों के नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे।